गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक देख रहे थे, लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज देखे हुए थे और उसका कुछ एग्जांपल भी देखे हुए थे। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 15 कह रहा क्या, एक्स का पावर वाई इफ एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स दिस इज इक्वल टू 4 फाइंड डिवाइड बाय डीएक्स। एक्स का पावर वाई दिया हुआ प्लस वाई का पावर एक्स दिया हुआ और उसका वैल्यू दिया हुआ 4 के बराबर है, क्या करना है डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड करना है। तो हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग देखे हुए थे कि अगर फंक्शन का पावर फंक्शन रहता था तो हम लोग लॉग लगाते थे दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन तो है लेकिन बीच में प्लस का साइन आ गया, बीच में प्लस का साइन आ गया, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को दोनों को अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेंगे का पावर वाई जो है वो यू के बराबर है और वाई का पावर एक्स जो है वो वी के बराबर है, ताकि हम लोग लॉग अप्लाई कर सकें। लॉग अप्लाई करने के लिए हम लोग को दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। अलग अलग नाम देने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, लेट एक्स का पावर वाई दिस इज इक्वल टू यू एंड वाई का पावर एक्स दिस इज इक्वल टू वी। एक्स का पावर वाई को यू मान लेंगे और वाई का पावर एक्स को वी मान लेंगे, तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं यू प्लस वी दिस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यू प्लस वी दिस इज इक्वल टू 4। हम लोग को रिजल्ट किसका चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं। डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, डी यू बटा डी एक्स अलग से फाइंड करेंगे और डी वी बटा डी एक्स भी अलग से फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या 4 डी यू बटा डी एक्स, सिंस यू इक्वल टू एक्स का पावर वाई, यू का वैल्यू किसके बराबर है, एक्स का पावर वाई के बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे लॉग लगाएंगे। जब दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स का पावर वाई, यानी कि लॉग यू बराबर वाई लॉग एक्स, लॉग यू का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी हम लोग का डी यू बाई डी एक्स निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई यू एंड डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर यू इंटू वाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस
log x into dy by dx, du by dx बराबर क्या आ गया, u into y by x प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे u का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो u का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, u का वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ होगा डी यू बाई डी एक्स बराबर, u का वैल्यू कितना था, एक्स का पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आंसर आ गया किसका, डी यू बाई डी एक्स का, ये आंसर हो गया डी यू बाई डी एक्स का। अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना होगा, डी वी बाई डी एक्स का। तो यह लिखेंगे सिंस भी बराबर, सिंस भी इक्वल टू कितना है, y का पावर x। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग भी बराबर क्या होएगा, x log y, लॉग भी बराबर हो जाएगा x log y, जो पावर में है वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट साइड का डिफरेंशिएशन u इंटू v में होगा, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग भी का वन बाई भी डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग वाई का वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई को छोड़ देंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन, तो वन बाय भी डी भी बाई डी एक्स बराबर एक्स इंटू वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू वन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाय भी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब ये जो बट्टा में भी है इधर जाके गुना हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, भी इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग वाई। अब क्या करेंगे, भी का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो भी का वैल्यू कितना, वाई का पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लिए और डी वी बाई डी एक्स भी निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, हम लोग को फाइंड आउट करना था कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब क्या करेंगे कि जो हम लोग का पहला इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था डी यू बाई डी एक्स फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे, दोनों साइड दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकला है, एक्स का पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकला है, वाई का पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू जीरो, ये निकला हुआ। अब हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या प्रोसेस होगा कि जितने भी टर्म डी वाई बाई डी एक्स के बनेंगे उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स का पावर वाई
into log x and dy by dx, फिर प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा y का पावर x माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस y का पावर x इंटू लॉग वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में dy वाई बाई डी एक्स नहीं है, उसको राइट साइड कर देंगे और ये दोनों सेकेंड और थर्ड से dy वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद x का पावर y इंटू लॉग x प्लस y का पावर x माइनस वन इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये टर्म और ये टर्म राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस y का पावर x इंटू लॉग y माइनस x का पावर y माइनस वन इंटू वाई। तो यहाँ लिख सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई का पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू ये दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स का पावर वाई माइनस वन। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिखेंगे देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ऑफ वाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स का पावर वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स का पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई का पावर एक्स माइनस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। नो इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में कह रहा है क्या कि y इक्वल टू एक्स का पावर x प्लस एक्स का पावर वन बाई एक्स, वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है एक्स का पावर x प्लस एक्स का पावर वन बाई एक्स, तो यहाँ पे भी बीच में कैसा साइन है प्लस का साइन है। यहाँ लिखा इफ y इक्वल टू एक्स का पावर x प्लस एक्स का पावर वन बाई एक्स, फाइंड करना है क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे भी दो टर्म के बीच में कैसा साइन है प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे एक को यू मान लेंगे दूसरे को भी मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट वाई बराबर एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर वन बाई एक्स, इसमें से यहाँ तो ये तो वाई दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे लेट x का पावर x दिस इज इक्वल टू यू एंड x का पावर वन बाई एक्स दिस इज इक्वल टू भी, पहला टर्म को u मान लेंगे दूसरा टर्म को भी मान लेंगे, तो देयर फोर y बराबर क्या हो जाएगा u प्लस भी, y बराबर u प्लस भी। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब फिर से हम लोग सेपरेटली डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे और सेपरेटली डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस यू बराबर सिंस यू इक्वल टू एक्स का पावर एक्स, यू का वैल्यू कितना है एक्स का पावर एक्स,
अब देख सकते हैं यहाँ पे बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग यू बराबर लॉग एक्स का पावर एक्स, यानी कि लॉग यू बराबर एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आ जाएगा। नाउ यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई यू एंड डी यू बाई डी एक्स, लॉग यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स को छोड़ेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स बराबर, डी यू बाई डी एक्स बराबर यू इंटू एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, यू इंटू वन प्लस लॉग एक्स, यू का वैल्यू क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स बराबर एक्स का पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा एक्स का पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। अब हम लोग यहाँ पे वी का वैल्यू क्या माने हुए, यहाँ पे वी का वैल्यू एक्स का पावर वन बाई एक्स है, तो हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, वी को, क्योंकि वैल्यू किसका निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो लिख सकते हैं अगेन, तो ये लिखेंगे सिंस भी बराबर, सिंस भी इक्वल टू एक्स का पावर वन बाय एक्स, भी का वैल्यू क्या होगा एक्स का पावर वन बाय एक्स, इसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों साइड लॉग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग भी बराबर लॉग एक्स टू द पावर वन बाय एक्स, यानी कि लॉग भी बराबर वन बाय एक्स इंटू लॉग एक्स, यह आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग भी का होगा वन बाई भी और डी वी बाई डी एक्स, लॉग भी का वन बाई भी डी वी बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंशिएशन यू इंटू भी में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वन बाई एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाई एक्स मतलब एक्स का पावर माइनस वन बटा डी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स बराबर भी इंटू वन बाई एक्स वन बाई एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दैट इज डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, एक्स का पावर वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया किसका वैल्यू डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू, और पहले हम लोग निकाल लिए थे डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, या फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, क्या था फ्रॉम फर्स्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स टू द पावर वन बाई एक्स
इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ से बट्टा वाला एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा एक्स का पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स का पावर वन बाय एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस लॉग एक्स। एक्स का पावर वन बाय एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस लॉग एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। एक देखते क्वेश्चन, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9D। एक्सरसाइज 9D का पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई इक्वल टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स का पावर वाई, वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर वाई के बराबर है। तो यहाँ बेस भी वेरिएबल है पावर भी वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लगा देंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देयरफॉर लॉग वाई बराबर लॉग एक्स का पावर वाई, यानी कि लॉग वाई बराबर हो जाएगा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगा, वाई लॉग एक्स। अब इसको लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों का डिफरेंशिएशन यू इंटू वी में होगा, वाई को छोड़ देंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आएगा। अब जितने भी टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स के हैं उसको एक साइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन बाय वाई माइनस लॉग एक्स बराबर वाई बाई एक्स, यहाँ लॉग एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो वन। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम बनेगा वाई, यहाँ आ जाएगा वन माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये वाई बट्टा में उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा कितना एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स, एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स। इसी फॉर्मेट पे हम लोग इसका सेकेंड बना सकते हैं, थर्ड दिया हुआ है वाई बराबर टू का पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वाई बराबर टू का पावर एक्स। तो आपको बताए थे कि हम लोग लॉग कब कब लगाते हैं, जब दोनों साइड ये बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो, या तो बेस कांस्टेंट हो पावर वेरिएबल हो, या फिर
दिया गया फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में हो, दिया गया फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग दोनों साइड लॉग लगाएंगे। जैसे कि अभी जो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है, y बराबर 2 का पावर x, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस तो कांस्टेंट है, ये हो गया बेस, बेस क्या हो गया कांस्टेंट, और पावर क्या हो गया, पावर हो गया वेरिएबल, पावर वेरिएबल हो गया। तो भी इस केस में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग लगा सकते हैं, क्योंकि बेस क्या हो गया कांस्टेंट और पावर हो गया वेरिएबल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग 2 का पावर x, लॉग वाई बराबर लॉग 2 का पावर x। अब क्या होगा कि जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे, लॉग वाई बराबर एक्स इंटू लॉग 2, एक्स इंटू लॉग 2। नाउ अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का होगा 1/y एंड dy/dx इक्वल टू, ये दोनों का डिफरेंशिएशन u इंटू v में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ log 2 क्या है, कांस्टेंट, तो सिर्फ x बच रहा है, तो log 2 को छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे log 2 छूट जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x यानी 1। तो देयरफॉर dy/dx बराबर क्या आएगा, dy/dx बराबर आएगा y log 2, यानी कि dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y के बदले कितना, 2 का पावर x इंटू log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 का पावर x इंटू log 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कह रहे हैं क्या, एक्स का पावर ए फोर नंबर में कह रहा है, एक्स का पावर ए वाई का पावर बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई का पावर ए प्लस बी। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और लॉग लगा के भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों तरह से डिफरेंशिएट इसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग इम्प्लिसिट जब देखे हुए थे तो उस समय इस तरह का क्वेश्चन बताए थे और वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे थे। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, लॉग लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर यहाँ लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, तो ये हो जाए लॉग एक्स का पावर ए इंटू वाई का पावर बी बराबर लॉग एक्स माइनस वाई का पावर ए प्लस बी। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो प्लस में टूटेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग एक्स का पावर ए प्लस लॉग वाई का पावर बी बराबर, ये जो ए प्लस बी है वो सामने आ जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू लॉग एक्स माइनस वाई। नाउ ये जो पावर ए भी सामने आएगा तो यहाँ होगा ए लॉग एक्स, ये पावर है वो भी सामने आएगा तो बी लॉग वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू लॉग एक्स माइनस वाई, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, ए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, बी लॉग वाई का 1/y और dy/dx इक्वल टू
यहाँ पे आएगा ए प्लस बी बटा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वाई का डी वाई बटा डी एक्स, वाई का डी वाई बटा डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बटा एक्स प्लस बी बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस वाई डी वाई बटा डी एक्स आएगा। अब क्या करेंगे कि जितने टर्म डी वाई बाई डी एक्स के हैं उसको एक साइड कर देंगे, तो ये इधर आ जाएगा और ये बटा एक्स उधर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं कॉमन करके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा बी बटा वाई प्लस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी बटा एक्स माइनस वाई माइनस ए बटा एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, क्या हो जाएगा एलसीएम वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा बी एक्स माइनस बी वाई प्लस ए वाई प्लस ए वाई और प्लस बी वाई, इक्वल टू इधर एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स, ये क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए वाई, तो यहाँ माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स कटेगा, यहाँ बी वाई माइनस प्लस बी वाई कटेगा, तो क्या आ गया हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई बटा कितना वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई बटा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स, तो ये यहाँ से कटेगा ये यहाँ से कटेगा, तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया वाई बटा एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।